एडमिशन ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, चलो बैकअप वाला जो था वो होगा, निकालो कॉपी। देखो लिखो टॉपिक नंबर टू, टॉपिक वन पूरा हो गया था हमारा, टॉपिक टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 90% चांस गलती होने के यहीं पर होते हैं हमारी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस में, तो नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो पुराने वाले पार्टनर उसको पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमने पीछे इतना एफर्ट्स लगाया, हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना खून पसीना बहाया और हमने कुछ वैल्यू जेनरेट करी है इस बिजनेस में, तुम नए नए आ रहे हो आज तो तुम कैसे हमारे प्रॉफिट में हिस्सा ले लोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने जेनरेट करी है उसका कंपनसेशन हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कॉन्सेप्ट इसके पीछे का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन चल क्यों नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप यहां पे आपके पास ए एंड बी दो पार्टनर थे बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर थे, 3:2 का रेशियो था इनके बीच में। फिर यहां पर सडनली 1 अप्रैल 2019 को एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, मान लो सी इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर और यहां लिखा हुआ है सी ब्रिंग, और वो जब आया बिजनेस में तो सी ब्रिंग कैपिटल, जब वो बिजनेस में आएगा तो कुछ कैपिटल लेके आएगा, सी ब्रिंग कैपिटल रुपीज 2 लाख, सी ब्रिंग कैपिटल रुपीज 2 लाख, और ए और बी ने बोला जिस दिन तुम बिजनेस में एंटर हो रहे हो उस दिन हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, ये देखो गुडविल ऑफ द फर्म उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जिस दिन तुम्हारा एडमिशन हो रहा है ना उस दिन गुडविल निकालते हैं हम अपनी फर्म की, तुम्हारे एडमिशन से पहले जो हमने रेपुटेशन कमाई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, तो गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 1 लाख, उन्होंने कहा कि हमारी जो फर्म की गुडविल है ये वैल्यूएशन करने के बाद, वैल्यूएशन हम पढ़ चुके हैं कैसे होता है, ठीक है, तो ये इनकी आपसे अंडरस्टैंडिंग के बाद है ये कैसे वैल्यू करें, तो वैल्यूएशन करने के बाद 1 लाख हुआ। अब जब सी नया पार्टनर बिजनेस में आ गया तो 3 पार्टनर हो गए, अब ए कॉमा बी एंड सी, और इनका फ्यूचर रेशियो, अच्छा निकाल के बताना कोई, 3:2 पुराना है और 1/5 के लिए नया आया है, तो 1-1/5 4/5 और 4/5 इंटू 3/5, तो 4 × 3=12, 12 × 3=25, तो ये 12:5 और ये 8:5, ठीक है, बात क्लियर। ये अगर 1/5 के लिए आया है तो भाई नया रेशियो निकाल दिया हमने, ये पढ़ा था हमने पीछे टॉपिक वन में, तो अब इनके बीच में नया रेशियो है। अब ध्यान से सुनो लॉजिक क्या है, लॉजिक यहां पर ये है कि ए और बी ने मिलके ये गुडविल जेनरेट करी है, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है। अब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है तो जब आगे जाएगा फ्यूचर में जब जाएगा तो इनके बीच में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, ये दोनों कहेंगे कि ये गुडविल तो हमने जेनरेट करी थी, तुम कैसे इसके हिस्सेदार हो गए। तो इसलिए क्या करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, ये सी को कहते हैं कि हम तुम्हारे कैपिटल में से कम कर देंगे। दो तरीके हैं देखो ध्यान से, एक तो आपकी किताबों में जो पढ़ाया जाएगा आपको स्कूलों में वो बताऊंगा मैं, और एक दूसरा भी है, वो किताब में दिया हुआ है वैसे इस बार,
टीएस ग्रेवाल की बुक में वो वाला तरीका भी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने अल्टरनेट तरीका करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सी को कहेंगे कि तुम एक काम करो, जितना बेनिफिट तुम्हें फ्यूचर में होने वाला है हमारी इस गुडविल में उतना तुम हमें आज कंपनसेट कर दो, उतना तुम हमें आज कंपनसेट कर दो। तो वो क्या करेगा, इनको कंपनसेट करेगा। वही सीखना है हमें कैसे होता है। अब आपके यहाँ पे जो होगा ना, ये आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर इन दोनों ने मिलकर कुछ वैल्यू जनरेट करी है तो ये जो नया पार्टनर आ रहा है सर क्या इसकी कोई औकात ही नहीं है, इसकी भी तो कुछ गुडविल होगी मार्केट में, होगी या नहीं होगी बताओ, होनी चाहिए। लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन हमारे यहाँ ट्वेल्थ क्लास में नहीं आएगा। आप आगे सीए सीए में कुछ करोगे प्रोफेशनल कोर्स, वहां पूछता है, वहां पे किसी को भी पार्टनर नहीं बना लेंगे उठा के। यहाँ तो सी को हमने उठा के पार्टनर बना लिया, वहां कोई पार्टनर आएगा वो कहेगा भाई तुमने कमाया है गुडविल तो मैं भी कोई उठाई गिरा थोड़ी हूँ, मेरी भी गुडविल है मार्केट में, तुम भी दो मुझे कंपनसेशन। ठीक है, समझ गए। तो गुडविल का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और ज्यादा अच्छे से अगर आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझना है, ज्यादा अच्छे से अगर आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट समझना है, मैं भेज दूंगा पर्थ, ठीक है मैं भेज दूंगा खुद। ज्यादा अच्छे से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है गुडविल का, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर का कंपनसेशन होता है बच्चों, ये फ्यूचर का कंपनसेशन होता है। जैसे आप पुराने जमाने में चले जाओ, पुराने जमाने में क्या होता था, लड़के की शादी होती थी लड़की से तो लड़की वाले दहेज देते थे लड़के वालों को। क्यों देते थे, क्योंकि ये लड़की लड़के वालों के घर में आएगी और 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल इनकी प्रॉपर्टी इनका काम इनकी इनकम ये यूज करेगी, उसके लिए वो कंपनसेशन उसको दहेज कहते थे। अब आज के जमाने में तो लड़कियां भी जॉब करती हैं तो इसका मतलब लड़कियां भी दहेज ले सकती हैं लड़के वालों से कि मैं कमाऊंगी तुम्हारे घर में आके रहूंगी मेरी सैलरी पे तुम्हारा हक होगा तो इसलिए तुम भी मुझे दहेज दो। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है आज के टाइम पर और होता भी है, समझ गए। लेकिन दहेज लेना और देना दोनों गलत है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना क्योंकि ये क्लास मेरी रिकॉर्ड हो रही है वरना मेरे खिलाफ केस हो जाएगी। लेना और देना दोनों गलत बात है, इसे समझाने के लिए कह रहा था मैं कि फ्यूचर में आपको जो बेनिफिट होने वाला है हमसे उसके लिए होता है ये कंपनसेशन। तो ये जो सी नया पार्टनर आ रहा है इसको फ्यूचर में इनकी गुडविल में बेनिफिट मिलने वाला है तो ये इनको आज कंपनसेशन देगा। देखो हम पहले तो अपना स्कूल वाला तरीका देख लेते हैं, जैसे हमें एग्जाम में करना है क्या होता है यहाँ पे जनरली जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो फर्स्ट मेथड आप ऐसे लिख लेना है यहाँ पे फर्स्ट मेथड। एक तरीका ये होता है कि हम ये यहाँ पे मान लेते हैं कि जो नया पार्टनर है ना वो कैश में ले आएगा गुडविल। वैसे ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों, कभी भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, हम उसके कैपिटल से ही डिडक्ट कर लेते हैं सीधा। बट आप समझ लो यहाँ पे आपकी किताब में सिलेबस में दिया हुआ है तो हम कर लेते हैं। जब नया पार्टनर मान लो कैश में गुडविल ले आएगा तो पहली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, पहली जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में कैश आया, टू सीज कैपिटल, सी कैपिटल लेके आया बिजनेस में, और एक नया अकाउंट खुलता है यहां पर उसको कहते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल शॉर्ट में लिख दिया है मैंने टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा कैपिटल कितना लाया है सर, कैपिटल लेके आया है 2 लाख रुपए, कैपिटल लेके आया है 2 लाख रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 20,000। तो दोनों को मिला के कैश कितना आया बिजनेस में 2,20,000। ये हो गई आपकी कैपिटल ब्रॉट करनी है और गुडविल ब्रॉट करने की एंट्री, यहाँ पे गुडविल को कैश में लेके आया है वो पार्टनर। ठीक है यहाँ पे, ठीक सर। उसके बाद नंबर टू, जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है वो किसका हक है उसके ऊपर, उसके ऊपर हक है ए और बी का, तो दे दो ए और बी को, ये लो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। ध्यान देना, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो 2A's कैपिटल अकाउंट, बी सैक्रिफाइस कर रहा है तो 2B's कैपिटल अकाउंट, ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना। यहाँ देखो कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है सर, अगर पुराने पार्टनर का पुराना शेयर और नए पार्टनर का नया शेयर दिया हो तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। अगर किसी को तब भी मेरे ऊपर डाउट हो तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो साइड में बैठ के कहीं, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है पहले कि हमें ये नया रेशियो दिया थोड़ी था, ये तो हमने खुद निकाला था,
तो अगर आपको ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर और नए पार्टनर का नया शेयर दिया हो, इसका मतलब ये जो 1/5 के लिए आया है, ये 1/5 ए और बी से लेगा, किस रेशियो में लेगा नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो में ले लेगा, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000, इस 20,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, बांट दो सर 20,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, 3/5, और ये हो जाएगा 2/5, तो 5, 4, 4, 3, 12, 12,000 और 8,000, बस इतना ही तो काम करना था हमें, बस ये हो गया, कुछ नहीं था इसमें। ये तो था पहला मेथड, साथ साथ लिख रहे हैं ना सब, अगर कोई नहीं लिख रहा तो बता देना, मैं रुक जाऊंगा फिर। ये आपका पहला मेथड हो गया। अच्छा, एक मेथड और होता है जो कि आपको 12th के बाद वही इस्तेमाल करना है, एक्चुअल में तरीका वही सही है, लेकिन ये 12th में पढ़ा देते हैं बच्चों को ऐसे, आप कहीं और जाओ फ्यूचर में, मान लो कहीं बच्चा कहीं मुझसे ना पढ़े 12th के बाद, किसी और टीचर से पढ़े, तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ ये भी आता है हमें, हमने पढ़ा था ये। तो सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम, उसके कैपिटल से ही चार्ज कर लेते हैं सीधा। अच्छा, कैपिटल से चार्ज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक टेबल बना के समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक पार्टनर ए है हमारे पास, एक पार्टनर बी है, ये टेबल वाला तरीका समझा देता हूँ, और एक पार्टनर सी है, तीन पार्टनर हैं मान लो, ये गुडविल, ये गुडविल रिकॉर्ड करने वाला तरीका होता है। गुडविल अगर हम क्रेडिट कर दें तो ए और बी में होगा, तो 60,000 और 40,000 ये होगा ए और बी में, क्योंकि सी तो बाद में आया है, पुराने में अगर चला जाए तो। अगर सी के आ जाने के बाद, सी के आ जाने के बाद गुडविल डेबिट कर लें नए रेशियो में, 12,8,5 में करना जरा, 1,00,000 को डेबिट, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 25 कर लो इंटू में 12, एक सेकंड, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 12, एक सेकंड, गलत हो गया कुछ, कितना और है, 2,00,000 है, कितना है गुडविल, एक सेकंड, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 12, 48,000 आ रहा है, ठीक है, 48,000, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32,000, आप 12,85 में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इतना ध्यान रखना, 12,85, और ये 20,000, जैसे आप एडजस्टमेंट टेबल करते थे ना वैसे ही है ये तरीका। तो अब देखो जरा नेट इफेक्ट कितना हुआ सर, नेट इफेक्ट हुआ कि सी को 20,000 से डेबिट करना पड़ेगा, 40 क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो बी को 8,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, 60 और ये, तो 12,000 से ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, ये क्रेडिट और ये डेबिट, ये वो। अब देखो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2,00,000, जितना कैपिटल लाया है सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब गुडविल कैश में नहीं लाएगा पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा, हम उसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे सीधा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां देखो सी को जितना गुडविल लाना चाहिए था हमने उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लिया, कितना गुडविल लाना चाहिए था सर, 1,00,000 का 1/5 20,000, ये यहाँ पे आप लोगों ने पूछा नहीं सर ये 20,000 कैसे आया, ये 20,000 ऐसे आया फर्म की गुडविल 1,00,000 है तो इसमें सी को आखिर कितना लाना पड़ेगा 1/5, ये दिया हुआ था क्या हमें क्वेश्चन में, नहीं दिया था, ठीक है, तो ये 1/5 हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया और टू बीस कैपिटल अकाउंट ए को क्रेडिट करना है 12,000 से और बी को क्रेडिट करना है 8,000 से। मुझे कोई बच्चा बताओ क्या बैलेंस शीट में दोनों का सेम इफेक्ट होगा या अलग अलग इफेक्ट होगा, दो अलग अलग तरीके फॉलो करें हैं, क्या बैलेंस शीट में सेम इफेक्ट होना चाहिए या अलग अलग इफेक्ट होना चाहिए,
बताओ मुझे क्या बैलेंस शीट में सेम इफेक्ट होना चाहिए या अलग अलग, मैं क्या पूछ रहा हूं? देखो ना ध्यान से, पहले वाले केस में अगर आप बैलेंस शीट बनाओ, मैं बना के नहीं दिखा रहा, पहले वाले केस में अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सर एसेट साइड में कैश आएगा 2,20,000, लाइबिलिटी साइड में सी का कैपिटल 2 लाख, ए का कैपिटल 12,000 और बी का कैपिटल 8,000, तो हो गया 2,20,000 बराबर। कैश कितना? 2,20,000, और लाइबिलिटी साइड में सी का कैपिटल 2 लाख और ए और बी का कैपिटल 12 और 8, तो 2,20,20 बराबर। देखो क्या यहाँ पे बराबर हो रहा है? यहाँ पर एसेट साइड में कैश कितना आएगा? 2 लाख, और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है 2 लाख, लेकिन फिर सी के कैपिटल को घटा भी तो दिया हमने, तो सी का नेट कैपिटल कितना आएगा लाइबिलिटी साइड में? 1,80,000, और इन दोनों को मिला के 20,000, तो 1,80 + 20, लाइबिलिटी में 2 लाख और एसेट साइड में 2 लाख, दोनों साइड इक्वल हो। समझ गए बात? तो पहले वाले में क्या था कि वो कैश में गुडविल ले आया था बस, तो हमने कैश अकाउंट को बढ़ा लिया था। दूसरे वाले में वो कैश में नहीं लाया तो हमने उसके कैपिटल से कम कर लिया। बात तो बराबर ही है चाहे जैसे दे दे वो, लेकिन ये तरीका होता है जनरली कि कैपिटल से वो क्यों लाएगा कैश में, वो कहेगा भाई कैपिटल तो ला ही रहा हूं ना मैं, मेरे कैपिटल से ले लेना ना, क्या बार बार कैश दूंगा तुम। ठीक, तो ये वाला हमें फॉलो करना है अपने एग्जाम में, आप याद रखना, ये आपके बुक में इसी तरीके से सॉल्यूशन दिए होंगे सारे। अब इसी को करेंगे हम आगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर और। अच्छा एक नोट तो रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट नोट मुझे बताओ, क्या इस 1,00,000 रुपए को कहीं पर भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा क्या? ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है, क्या हमने इसको रिकॉर्ड करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ये बैलेंस शीट में कहीं दिखाई दे रहा है? एसेट साइड में नहीं दिखाई दे रहा। ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैसे मैं ये बता चुका हूं पिछले चैप्टर में, बार बार टाइम होगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि मनी और मनी इज वर्थ में इसकी पेमेंट नहीं होती। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ लेना, बार बार पढ़ा चुका हूं मैं वो अपनी किताब से भी, कई बार दिखा चुका हूं कि AS 26 और AS 10 दोनों AS के अकॉर्डिंग ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो आपके क्वेश्चन में वो बोल दे कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल रिकॉर्ड इन द बुक, या फिर आप गुडविल को रिकॉर्ड करो, तो जो सामने वाला बोल रहा है ना वो करना पड़ेगा, अब चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो। बात मेरी समझ रहे हो? एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो लिख दिया कि ऐसे करना है तो फिर वो वैसे ही करना है, चाहे आपको पता है वो गलत है, टीचर को भी पता है वो गलत है, लेकिन अगर उसने कहा है करना है तो करना है। तो देखो अगर रिकॉर्ड होगा तो कैसे रिकॉर्ड होगा। यहां नोट लिखना है एक, इफ गुडविल रेज्ड, बार बार कह रहा हूं ध्यान रखना, गुडविल रेज नहीं होता कभी भी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि किताब में दिया हुआ है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, इफ गुडविल रेज्ड और रिकॉर्डेड। हमने पढ़ा भी था पहले, परचेज गुडविल जो होती है वो आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कहीं भी नहीं दिखाते हम, कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते इसको, AS 26 मना करता है हमें। फिर भी अगर ये बताया एग्जाम्पल जो हमने करा, अगर हम इसमें गुडविल को रिकॉर्ड कर लें, फिर भी मान लो एक सेकंड के लिए अगर हमने गुडविल रिकॉर्ड कर भी ली, तो आपका गुडविल अकाउंट डेबिट, ये लो हमने इसको अपना एसेट बना लिया, हमने तोड़ दिया सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है हमने उनको नहीं फॉलो करा, हमने गुडविल अकाउंट डेबिट कर लिया, और टू एस कैपिटल जो पीछे टेबल बनाई थी ना वही है ये, ध्यान से देखो मैंने क्या करा था पहले, गुडविल को क्रेडिट करा था, टू बीस कैपिटल, मतलब पहले हमने अपने गुडविल अकाउंट को अपना एसेट बनाया और उस एसेट को ए और बी में क्रेडिट कर दिया, तो 1,00,000 रुपए ये लो आपके रिकॉर्ड हो गए बुक्स ऑफ अकाउंट में, एसेट साइड में रिकॉर्ड हो गया 1,00,000 और कैपिटल जो लाइबिलिटी साइड में 60 और 40। लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में कभी गलती से भी नहीं दिखाई देनी चाहिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल, तो अगर आपने इसको बना भी लिया अपना एसेट तो उसको इमीडिएटली खत्म कर दो। आपको सर कर ही क्यों रहे हैं, फिर कर रहे हैं वो कह रहे हैं, तो इसलिए अगर आपने रिकॉर्ड कर भी लिया ना तो उसी टाइम इसको खत्म करना पड़ेगा। तो देखो उसी टाइम खत्म करने का मतलब अब नया पार्टनर आ गया है तो ये गुडविल खत्म होगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि अब एक पार्टनर और आ गया है तो सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको भी बेयर करना पड़ेगा, और जो हमने एसेट्स बना लिया था उसको खत्म कर दें ताकि ये कभी दिखाई ना दे गलती से बैलेंस शीट में, तो गुडविल अकाउंट, तो ये 1,00,000 रुपए नए रेशियो में डेबिट हो जाए।
तो हमने अभी पीछे निकाला भी था 48,000, 32,000 और 20,000। आप देखो इन दोनों की एंट्री बनाए तो गुडविल से गुडविल कट जाएगा और वही नेट इफेक्ट निकल के आएगा जो पीछे करा था हमने, वही सेम नेट इफेक्ट निकल के आएगा। देखो ए क्रेडिट हुआ है 60 से और डेबिट हुआ है 48 से, तो ए क्रेडिट होगा 12 से, बी क्रेडिट हुआ है 40 से, डेबिट हुआ है 32 से, तो बी क्रेडिट होगा कितने से, 8 से, और सी क्रेडिट नहीं हुआ सिर्फ डेबिट हुआ है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये देखो ये एंट्री आ गई ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू, ठीक है, ये होता है तरीका। तो गुडविल को, सेल्फ जनरेटेड वाले गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, ये वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो याद रखना ये। देखो अगला एग्जांपल लिखो फटाफट क्योंकि 24 मिनट हो गए हैं, मैं सोच रहा था मैं कुछ एक दो क्वेश्चन तो कम से कम करा ही दूं। जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं मैं, आप भी फटाफट मेरे साथ साथ लिखते रहो। एक और एग्जांपल, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना क्लास, आज पढ़ते हैं लंबा थोड़ा। ए और बी, सॉरी लाल पेन से क्वेश्चन, लाल पेन से लिख दो थोड़ा दिखाई देगा, अलग अलग रहेगा। ए और बी, ए और बी ये दो पार्टनर है मान लो 3:2 का रेशियो है, और इनके कैपिटल, इनके कैपिटल ए का है 3 लाख और बी का है 2 लाख। सी एडमिट हुआ फॉर 1/5 शेयर, सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ, which he acquire equally from A and B, equally from A and B, C bring ₹1 lakh, C bring ₹1 lakh for capital, सी जो है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, एंड रुपीज थर्टी थाउजेंड एज प्रीमियम फॉर हिज वन फिफ्थ शेयर इन प्रॉफिट। वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, and A and B withdraw half of the goodwill premium, A और B ने आधा goodwill premium withdraw करा लिया, and goodwill also appear in the books, और पहले से हमारी बुक्स में जो अपीयर थी गुडविल वो 50,000 थी। जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है ना उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, चेंज इन पीएसआर वहां हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। अपीयर गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। लिख लो फटाफट, कितना टाइम हो गया है, अभी टाइम हो जाएगा, ठीक है। दो पार्टनर है, 30-20 कैपिटल है, सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए जो कि एक्वायर कर रहा है इक्वली। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मतलब क्या है मुझे बताओ जल्दी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, इक्वली 1:1 फ्रॉम अमाउंट बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। जितना वो ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है तो 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। डायरेक्ट टेक्निक होती है ये। अब तुम यहाँ पे ये थोड़ी करोगे कि पहले नया रेशियो निकालो फिर ओल्ड में से न्यू माइनस करो फिर सैक्रिफाइस आया, ऐसे नहीं। तो जितना वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है इस बार, तो इक्वली हो जाएगा 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बस जर्नल एंट्री करनी है। देखो फिर से याद करो कॉन्सेप्ट अपने, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई गुडविल पहले से हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो हमें उसे उसी टाइम राइट ऑफ कर देना होता है, अगर क्वेश्चन में मान लो ये बोला हो कि ये वाली गुडविल को वो रिटेन करना चाहते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, एक क्वेश्चन है बुक में, वैसे होता नहीं है कभी ऐसा कि इसको रिटेन करें, फिर भी अगर वो कहें कि वो इसे दोबारा रिटेन करना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले तो जो गुडविल पहले से आपके पास
दिखाई दे रही है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको खत्म करो। सबसे पहले जो गुडविल पहले से दिखाई दे रही है उसको खत्म करो। तो ये एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नरेशन लिख लेना। 50,000 इसको राइट ऑफ कर दो, ये 50,000 इसको राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशियो में करते हैं सर, 3:2 में करोगे तो ये 30,000 और ये 20,000 एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो गई, ए और बी में डेबिट। फिर नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया और गुडविल लाया, तो कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी डेबिट कर सकते हो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल लाया है वो उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दो, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितना लाया था इसमें? 1,00,000 रुपए। और गुडविल, गुडविल कितना लाया है? गुडविल कितना लाया है? 30,000 अमाउंट दिया हुआ है गुडविल का इस बार, 30,000 गुडविल लाया है। तो टोटल 1,30,000 का कैश बिजनेस में आया। निकले यहां तक सबने? इसके बाद जो गुडविल ये लाता है ये किसको मिल जाती है सर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्या कोई पार्टनर गेन कर रहा है? नहीं कर रहा, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1:1। तो ये वाली गुडविल ए और बी में क्रेडिट कर दो 1:1 में। ये देखो एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये 30,000 रुपए दोनों में इक्वली, 30,000 इंटू 1/2, तो 15,000 ए में क्रेडिट, 15,000 बी में क्रेडिट। ए के गुडविल के कितने अमाउंट है? 15,000 और बी के गुडविल का कितना अमाउंट है? 15,000। क्या ये अपने गुडविल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इन्हीं का पैसा है, इनको कौन रोकेगा निकालने से ना, ये पैसा तो इन्हीं का है, जब मर्जी चाहे तब निकाल लें। तो क्वेश्चन भी लिखा है हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन, आधी गुडविल इन्होंने विड्रॉ करा ली, तो ये लो जब ये गुडविल विड्रॉ करा लेंगे तो इनके कैपिटल को कम कर दो। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख लेना ताकि पता रहे कौन सी एंट्री कौन किस चीज की है। ये विड्रॉन वाली एंट्री है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब ये बिजनेस में से गुडविल विड्रॉ कराएंगे तो बिजनेस का कैश घट जाएगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। तो आपने आधी गुडविल विड्रॉ कराई है, तो आधी 30,000 का आधा 15,000, 7,500 ये विड्रॉ कराएगा, 7,500 ये विड्रॉ कराएगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर हमने ये भी देख लिया अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे क्या करना है, फिर अगर गुडविल लाता है कैपिटल लाता है वो हमें पता ही था क्या करना होता है, और अगर गुडविल विड्रॉ करा ले पूरी करा लेता तो यहाँ पे 30,000 या 15,000, आधी विड्रॉ कराई है तो आधा आधा, जितनी भी विड्रॉ कराएं उतने की आप एंट्री पास कर दोगे गुडविल विड्रॉ कराने की। ठीक है यहां तक? देखो क्वेश्चन देखते हैं पहले, अब ये वॉल्यूम 2 भेजा हुआ है मैंने सबके पास पार्टनरशिप का, यहां से पढ़ना शुरू करा था हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीएसआर एसआर, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे, मुझे भेज दिए थे, 20 तक दिए थे मैंने, इसके बाद भी जो करना चाहे कर सकता है, 2-4 क्वेश्चन और है एनालिटिकल, 22, 23, 24, 25। इसके बाद देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देख गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लाए, देखो पहला केस है यहाँ पे प्राइवेटली का, तो इसमें लिख लो नो एंट्री, मैंने ये पढ़ाया नहीं है, प्राइवेटली के केस में नो एंट्री, यहाँ लिखा हुआ है नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करोगे। अगर कोई पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लाता है तो उसकी कोई एंट्री हमें पास नहीं करनी, जैसे कि ये क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है
प्रॉफिट लॉस 5-3 है, एडमिट हुआ सी 1/4 शेयर के लिए, सी पेड 50,000 प्राइवेटली टू ए एंड बी एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सीज एडमिशन। तो अगर वो गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो कोई एंट्री नहीं होगी, इसका आंसर हो जाएगा नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हमने अभी जो पहला केस अपना पढ़ा है, व्हेन द न्यू पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यही है सबसे बड़ा। अगर वो कैश में लाता है तो फिर हमें उसको कैसे कैसे डील करना है, ठीक है। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो सभी, जब तक क्लास बंद नहीं हो रही फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लेना सभी, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। ट्वेंटी सेवन करके दिखाओ मुझे, ज्ञान और गोविंद दो पार्टनर हैं, दिख रहा है ना क्वेश्चन, ज्ञान और गोविंद दो पार्टनर हैं आपका, प्रॉफिट शेयरिंग 5:3 है, दे एडमिटेड गंगा, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया, एंड गंगा ब्रॉड 40,000 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एज प्रीमियम फॉर गुडविल, वो 40,000 गुडविल लेके आए, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन गंगा द एडमिशन, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ध्यान से देखना, अगर हमें नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों दिया हो तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं लाया तो कैपिटल लाने की एंट्री मत करना, सीधे सीधे कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री कर देना प्रीमियम फॉर गुडविल टू ज्ञान और गोविंद, जल्दी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन हम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बताना कोई कितना आ रहा है, देख के मत बता देना यहां से आंसर, अरे बहुत टाइम है इतने में तो मैं ही करा देता इसको। देखो 27 ये हमारी बुकलेट का है, टीएस ग्रेवाल से अभी मैं दूंगा बाद में, और मैंने कुछ इसके एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी भेजे थे जब पहले पढ़ाया था, मुझे याद है गुडविल के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आप ज्ञान और गोविंद, तो ज्ञान, ज्ञान का ओल्ड रेशियो है 5:8 और नया रेशियो है 3:1:4:1:5 3:5 8:5:40 5:5:25 8:3:24 1:40 फिर गोविंद, गोविंद, गोविंद 3:8 माइनस 1:5 8:5:40 5:3:15 8:1:8 7:40 तो 1:7 आ गया, यही हमारा आंसर में भी दिया हुआ था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बाद कैपिटल तो लाए नहीं है यहाँ पे, तो आप सिर्फ गुडविल लाने की एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस क्वेश्चन में कैपिटल दिया नहीं है, वरना ऐसा होता नहीं है कि बिना कैपिटल के गुडविल लाए पार्टनर। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाए हैं, 40,000, इसका शेयर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो 40,000 डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, और जो गुडविल नया पार्टनर लाता है उसको पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ज्ञान कैपिटल, टू ज्ञान कैपिटल, टू गंगा कैपिटल, तो आपका 40,000 1:7 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से ये 40,000 इंटू 1:8 इसका और 7:8 इसका, 40,000 इंटू 7:8 5,000 इसका और 35,000 इसका। ओहो पिछले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, कैपिटल अकाउंट भी बनाना था, ओहो छूट गया, वही तो समझाना था मुझे मेन की कैपिटल में कैसे एंट्रियां होती हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हमने, अपने क्वेश्चन में हमने लिखा था कैपिटल अकाउंट भी बनाना था। चलो कोई नहीं, कैपिटल अकाउंट आप लोग बना लेना, ये क्लास बंद होने वाली है फिर दूसरी वाली ज्वाइन करो, जाना मत कोई भी क्योंकि अगली बहुत काम की है।
ये हो गया ठीक है।